नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम चंद्रताल में हैं। सुबह 7:45 का टाइम है। हम मनाली जाने के लिए निकल रहे हैं। यहां पर मैं इस समय कैंपिंग साइट पे ही खड़ा हूं। यूसी कैंप्स इस कैंप का नाम है, और वैसे स्पीति एक्सपेडिशंस करके है जो ऑनलाइन बुकिंग होती है। यहां पर हमने चार्ज दिया 1500 रुपये पर पर्सन। टॉयलेट अटैच था। 1000 रुपीज़ पर पर्सन भी यहां पर चार्ज होता है, जैसे छोटे कैंप्स आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें टॉयलेट अटैच नहीं है। मैंने और कुछ कैंपिंग साइट्स में जाकर पता लगाया था, चार्जेस मोर और लेस सेम है। केवल यहाँ पैरासोल करके कैंपिंग साइट है, उनका चार्ज 55 रुपये पर डबल ऑक्यूपेंसी का है, अब जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन हम नाश्ता करने वाले हैं बातल पहुँच कर। यहाँ से बातल पहुँचने में हमें लगभग 45 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी ओवरऑल सुविधा सही थी। एनवायरमेंट में जो जो बेस्ट मैनेज हो सकता है उसके हिसाब से। पानी की सुविधा कुछ ऐसी है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक स्प्रिंग है, वहाँ से ये लोग पाइप के थ्रू पानी यहाँ टैंक में मंगवाते हैं, और उसके हिसाब से फिर सारे टेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये है कि ऐसी जगह आके बहुत वाइजली पानी को यूज़ करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जब आप चंद्रताल आएंगे तो विदाउट बुकिंग भी आ सकते हैं, विद बुकिंग भी आ सकते हैं। सिर्फ विदाउट बुकिंग आने में रिस्क ये है कि अगर आप यहाँ पहुँचते शाम के 5 या 6 बज गए तो हो सकता है 80-90% कैंपिंग ऑक्यूपेंसी फुल हो चुकी हो। ऑनलाइन आप बुकिंग करा लें तो बेहतर है। मौसम इस समय ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, रात को बहुत ठंड थी। चलिए चलते हैं, अब आपको कुछ देर में बातल पहुंच के हम ज्वाइन करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ही आगे आए थे तो मैंने यहां पर बहुत सारी भेड़ बकरी देखी, तो हमने गाड़ी रोकी ये भाई साहब से मुलाकात करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि कुल्लू के पास इनका गांव है, वहाँ से ये आज से कोई 1.5 महीना पहले चले थे और अब यहाँ पे आए हुए आपको 15 से 20 दिन हो गए हैं। ये लोग क्या करते हैं, 2 या 3 लोगों की टीम होती है जो मिलकर 200-400 भेड़ बकरी को लेके चलती है। आपके पास भेड़ और बकरी मिलाकर कितने हैं? 400। तो एक सोचने की बात है, रात में इतनी ठंड होती है यहाँ पे, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो? आदत है मेरे को। आदत है। तो ये जो कैंप सा बना हुआ है ये आप ही का है? हमारा। अच्छा, तो यहाँ पर खाना बना के रहना, तो रात को इधर ही सो जाते हो। तो आपने ये काम कितने साल पहले शुरू किया था? मेरे को जी आजकल 35-36 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो जो मैं आपके काम के बारे में जानता हूँ कि आप लोग भेड़ बकरी को शुरू मान लीजिए ग्रो करते हो एक तरह से फार्मिंग, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको बेचते रहते हो। जब आप हिमाचल प्रदेश आएंगे, मेरे को बाकी जगह का तो नहीं पता, तो स्पेशली हमने चंबा डलहौजी जब चल रहे थे ना, तो वहाँ हमने जगह जगह देखा था लाइन पे लाइन चल रही होती भेड़ की, भेड़ बकरी। और आप लोग है तो जीवन कठिन ही, साल में कितने महीने होते हैं कि आप अपने घर में रहते हो? 2 महीने। 10 महीने घर से बाहर। एक चीज और नोटिस करने वाली है, आपके पास जो कुत्ता होता है, मेरे को लग रहा है वो सामने देख रहा है, तो वो ऐसा होता है ना आगे आगे चलता है, जिससे कि कोई दूसरा एनिमल भेड़ बकरी पर अटैक ना करे, और ये लड़ पड़ते हैं एकदम, ये मतलब छोड़ते नहीं आसानी से। कहीं भी ग्रुप चल रहा होता है बड़ी खास बात है। चलो भाई साहब धन्यवाद। इस समय हम बातल पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने के लिए हमने कितना डिस्टेंस तय किया? 16 किलोमीटर तो एक आए जहाँ पर वो पॉइंट है, एक रास्ता मनाली को जाता है और एक रास्ता काजा को जाता है, उसके बाद 3 किलोमीटर और आए हम। करम भाई एक चीज़ बताओ, सामने जो ब्रिज है ये कहना सही होगा कि ये ब्रिज लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है? जी बिल्कुल, है ना। हालांकि स्पीति का जो आखिरी गाँव है उस तरफ से वो तो लोसर है। हाँ जी। एक चीज़ और मैं अभी करम भाई से डिस्कस कर रहा था, अगर आपने मनाली से इस जगह आना है बातल, तो 124 किलोमीटर का सफ़र है अगर आप आते हो रोहतांग से, और अगर आप आते हो अटल टनल से तो 87 किलोमीटर फ़र्क है। सही है। तो अब यहाँ पर हम आए हैं कुछ खाने के लिए, नाश्ता करेंगे। सामने चाचा चाची का बहुत मशहूर ढाबा है, मुझे करम भाई ने बताया कि ये कम से कम 45 से 50 साल से यहीं पर हैं। लोग बाग जब इस रूट पर चल रहे होते हैं तो यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुकते हैं, क्योंकि आजू बाजू आपको कुछ और नई सुविधा नहीं मिलेगी, तो यही अकेला पॉइंट है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। चलिए अंदर। हाँ जी, आलू परांठा मिलेगा आपके पास? हाँ, मुझे आप आलू परांठा और चाय दे दीजिए। हमारे लिए आलू का परांठा आ चुका है। आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चाचा से और चाची से, जिनके नाम से ये ढाबा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ
ये नाम आपने रखा या लोगों ने दिया? लोगों ने दिया। जबरदस्त। अच्छा अब एक चीज बताइए, आप कितने साल से यहाँ पर है? मेरे को 49 उम्र है। 49 ईयर्स। और रहने वाले आप कहाँ के? मनाली के। मनाली। हमारे माता पिता तिब्बत से आए, छोटे में माता पिता 12-13 साल में यहाँ इंडिया पहुंचे। अच्छा, और आप रहने वाले मनाली के? मनाली के। तो कब तक आप यहाँ रहते हैं, साल में कौन से महीने तक? ये हम मई में आते हैं, अक्टूबर में क्लोज करते हैं, अक्टूबर एंड। तो मई में आप आते हो और अक्टूबर एंड में क्लोज कर देते हो। तो मई में तो यहाँ बर्फ होती होगी रोहतांग वाला रूट पे? पैदल आते हैं मनाली से, आप पैदल आते हो यहाँ पर मई महीने में और ढाबा को चालू करते हो? कितना समय लगता है आपको मनाली से पैदल यहाँ पहुँचने में? 3 दिन। 3 दिन आप और चाची दोनों पैदल चलते हो बच्चों के साथ? अच्छा, एक चीज मैं परांठा खाने से पहले और भी जानना चाहता हूँ। हम सुबह हम श्योर नहीं थे कि आपका ये ढाबा ओपन होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे जो कर्म भाई उन्होंने बोला कि मिलेगा ओपन। कितने बजे आप सुबह स्टार्ट करते हो? 5 बजे। और शाम को? 11-12 बजे। ओ गॉड, मतलब इतना लंबा दिन लोग आते रहेगा तो हमको तो देना पड़ेगा। आप कल 12:30 बजे पहुँच गए, 9 आदमी रात को 12:30 बजे गाड़ी लेकर आवाज़ मारे चाचा बोलते हैं। तो फिर अब खाना खत्म हो गया, फिर मैगी मुँह खिलाए, फिर सुला दिया रात को। मैं 1 बजे सोया रात को। फिर बोलता आमलेट को मिला, आमलेट वमलेट बंद करो, मैगी खा लो, सो जाओ। फिलहाल तो मैगी खाओ और सो जाओ। अब भी थका, पूरा दिन थका, नेचुरल है। आपको नींद सुला तो मुश्किल, ठंडा मर जाएगा बेचारी। मेरा सो जाओ, आप मैगी खा जाओ तो सो जाओ, चाय भी नहीं बनेगा अभी, कुछ भी नहीं बनेगा। मैगी खाओ, मैं सुला दिया इनको। सवेरे बोलता परांठा किस टाइम मिलेंगे? परांठा को 5:30 बजे। चलो जी, आपका साथ साथ नाश्ता करते हैं और साथ साथ आपसे बात करेंगे। साथ में आपने ये चटनी दी है ना, ये हरी मिर्च है? हरी मिर्च नहीं है इसमें, लाल मिर्च। ओह, बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। स्वाद बहुत है, पर ज़बरदस्त है। स्वाद नहीं तो पूरा दिन में चटनी बनाना पड़ेगा। स्वाद चटनी का भी ज़बरदस्त है और परांठे का भी लाजवाब है। मजा आ गया। एक ऑमलेट मिल सकता है? हाँ, एक वो भी करवा दीजिएगा। वाकई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने मुझे बताया दिन में ना यहाँ पर 3 बसें आती हैं। एक तो आती है मनाली से काजा जाने वाली, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है तो यहाँ पर जो सवारी है वो खाना खा लेती है। दूसरा आपने बताया उदयपुर जो कि लाहौल में है, वहाँ से टाबो की बस है। जो तीसरी बस इन्होंने बताई जो हाल में स्टार्ट हुई है, मनाली से चंद्रताल एंड बैक इन वन डे। तो कितने घंटे लगाते हैं वो लोग मनाली से चंद्रताल पहुंचने में? 5 घंटे लगते हैं। पाँच, तो 5 घंटे में यहाँ चंद्रताल पहुंचेंगे। उनको 2-3 घंटे का टाइम देते हैं, 3 घंटे में साइट सीइंग करो, घूमो और रिटर्न चले जाओ। तो ये भी एक तरह से सही है कि अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है, पहले लोग क्या करते थे, केवल रोहतांग तक सीमित हो जाते थे कि एक साइट सीइंग होती थी, रोहतांग गए और वापस आ गए। अब ये साइट सीइंग में जुड़ गया मनाली रहने वालों के लिए, ये भी सही है, वेरी गुड। कितना किराया कुछ बस का मालूम है आपको? 280 रुपये कुछ। 280 रुपया आना जाना एक तरफ का, 280 रुपया। तो जब कोई आया तो वापस तो उसी में जाएगा, स्वाभाविक है। तो ये चटनी आपने इतनी तीखी जो बनाई है, ये क्या सोच के बनाई है? आपने भी क्या जवाब दिया, तीखी नहीं बनाएंगे तो एक ही आदमी सब्जी समझ के खा जाएगा। लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लग रही है, थोड़ी सी चटनी और चाहिए, मेरे को पसंद आ रही है। आप क्या करें, पसंद आ गई, चटनी डाल दो। आपने भी क्या जवाब दिया, तीखी नहीं बनाएगा तो सब्जी समझ के खा जाएगा। बस बस बहुत है, नहीं नहीं बहुत तीखी है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। अंदर नाश्ता करते समय मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स देखे थे, अवार्ड्स देखे थे। हाँ जी। तो अलग अलग संस्था ने आपको अवार्ड दिए हैं क्योंकि आपने कुछ लोगों की जान बचाई थी। हाँ जी, जी। थोड़ा बताइए उस क्या हुआ था? जो बर्फ लगे थे कंटिन्यू, 5-4, 5 रात 5 दिन कंटिन्यू बर्फ रही यहाँ। अचानक जून महीने में लोग बॉम्बे गए थे बेचारी। ये अभी की बात है, ये 2011 के होने, 11 के अंदाज है मेरे, कैसे याद है आप कुछ खास याद रहते हैं। 2011 फिर लोग रात को यहाँ सोए थे, शाम को 2 बजे पहुँचे, दिन दोपहर ऐसे बिल्कुल मौसम साफ, बिल्कुल रात को शाम को गाड़ी यहाँ लगाया, बोलता हमारा होल्ट यहाँ है, हमने यहाँ होल्ट करना है, आपने सोने की जगह दे दो। मैंने बोले सो जाओ भाई, हम सोने जगह है। सो वो लेजेंड अफसर जो जो इन ग्रुप लीडर जो आते रहते हैं यहाँ, तो सुला दिया, बॉम्बे का ही था वो, तो सुला दिया। रात को
रात को मैं बाहर गया, कुछ सुबह जैसे दिखाई दिया गर्म, जैसे कुछ ज़्यादा गर्म आ रहे, बर्फ़ लगे तो ज़्यादा गर्म होता है। देखा तो वो तेरा सफ़ेद हो गया, तो पूरा पहाड़ी सफ़ेद दिखा रहे। गाड़ी देखा तो गाड़ी टायर तो आधा घुस गया था उस टाइम। तो फिर मैंने आवाज़ मारा, वही तुम लोग भाग से तो भागो, मैं भाग से तो भागो, कहाँ भागना बोलते, हमारा गाड़ी सारा घुस गया बोलते, अंदर टायर तो अंदर घुस गया तो गाड़ी जाएगी नहीं बोलते। फोर बाय फोर तो चल जाना था, सब बिना फोर बाय के था, सब सोमो था, पाँच सोमो था बेचारे, यहाँ रह गया। वो लगते 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 पाँच फुट पूरा बर्फ आ गया यहाँ, पाँच फुट बर्फ, वो भी जून महीने में। अच्छा। वो तो बेड़ बकरी ऊपर आ रहे थे इस टाइम, आ रहे थे बेड़ बकरी आने टाइम तक, यहाँ कोई 80-90 तो बेडू मर गया, बेड़ बकरी मर गया। अच्छा। भूखा से क्या खाने को नहीं, जब मरने उसने। तो फिर मैंने बोला भाई आप तुम लोग तो मरेगा नहीं, तुम लोग मेरे पास है, मैं जब मैं मर जाएगा तुम्हारे मरेगा तुम तक। बोलता हमारे पैसे कम, पैसे पैसे चिंता मत करो, मेरे पैसे तुम खा कर जा सकते हो तुम आराम से। मैं बोला अब और क्या बोलते कौन नंबर, तो मैंने कौन कौन नंबर मेरे पास नहीं है, तुम जब आएगा तब दे देना मेरे को। तो फिर मैंने खिलाया, मैंने तुम लोग खाओ अब चावल दाल जितना मैं घर से खा सको खाओ। तो एक तरह से जैसी आपकी बात मैंने सुनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर उस समय आप नहीं होते तो गया जाए, तो फिर मतलब फिर तो हाल खस्ता इनका, तो बड़ा मुश्किल हो जाता, मरने का टाइम आ गया। फिर पाँच दिन मुश्किल है ना, फिर वो तो बर्फ ही बर्फ था। हम लोग तो एज ए टूरिस्ट आते हैं, हाँ जी, नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम इस बात को रियलाइज नहीं करते कि यहाँ पे रहना जो फंस गया ना, जो फंस गया तब मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वैसे भी देखो रात को ठंडी चलते हैं कठिन। आपने मुझे बताया कि सितंबर 2018 को 106 लोग का ग्रुप, हाँ ग्रुप एक साथ फंस गया यहाँ पे। सफर ग्रुप तो नहीं था, वो हर जगह से आया होता, 37 तो अंग्रेज था, विदेशी था। अच्छा। 37 वो यहाँ से बरलचे से आए थे पैदल, वो लोग भी बर्फ की वजह से फंस गए, बर्फ से फंस गए ना वो लोग। तो इसका मतलब सितंबर में आना उतना सही नहीं है यहाँ पे। सितंबर 20 के बाद तो ये कभी भी खतरे से खाली नहीं, एक तरह से मौसम खराब हो गया, तब तो आएगा तो फिर माल ही आएगा, पानी बारिश बुरश कुछ नहीं आएगा, पर बर्फ ही आएगा। बारिश होती है क्या? बारिश होता है तो बहुत कम, बारिश तो बहुत कम होता है, ज्यादा का तो सफेद आता है 10-15 मिनट बस, ऐसे थोड़ा पत्थर गीला हो जाए ऐसे आते हैं, ज्यादातर सफेद आता है, सफेद ही आते हैं, सफेद माल। आप उसको बर्फ नहीं बोलते, आप बोलते ज्यादातर सफेद आता है, सफेद ही आते हैं बस, वो आ गया तो काम खत्म है बस। यहाँ पर मैंने एक चीज और नोटिस करी, इनके ढाबे के बाहर ही ना आपको टोपी मिल जाएगी, ग्लव्स मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ आगे और जाने की सर्दी लगी तो आप ले भी सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और बड़ा अच्छा स्वभाव है इनका। ठीक है जी, ठीक जी, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार जी। नाश्ता हमारा हो चुका है, यहाँ से चलने से पहले मैं आपको चंद्रा नदी दिखाना चाहता हूँ, और उससे पहले आपको मैं सामने विश्राम गृह दिखा देता हूँ। वैसे तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, काजा से इसकी पर्ची बनती है, लेकिन कभी आप यहाँ पर फंस जाओ, मौसम ख़राब हो गया, कोई ऐसी बात होगी, तो इनके पास डॉर्मेटरी सुविधा भी है, अराउंड 50-20 बेड्स हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं भी हैं तो भी आप वहाँ पर आके रह सकते हैं, कुछ 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लेते हैं। अब जैसे इस समय मैं ढाबे के बाहर की तरफ हूँ, तो मुझे यहाँ पे ना 2-3 और ढाबे दिखाई दे रहे हैं जो पिछले 2-3 साल में ही खुले हैं, क्योंकि ये 49 ईयर से हैं, काफ़ी लोग इनको जानते हैं पहचानते हैं, तो लोग यहाँ पे रुकना ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। चलिए अब सामने चलते हैं, चंद्रा नदी को नज़दीक से देखेंगे। कुछ देर पहले हम वहाँ पर थे जहाँ पर हमने नाश्ता किया, अब हम यहाँ से उस ढाबे की ओर देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके, नीचे स्पेशली नदी का फ्लो देखना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब कुछ ही समय रह गया, इस तरह की हवा हमें शहर पहुंच के तो बिल्कुल नसीब नहीं होगी, सो ब्यूटीफुल। चलिए चलते हैं आगे, और बीच में कोई अच्छी साइट सीइंग आएगी तो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी हमने बातल से 4 किलोमीटर का सफर तय किया है, इतना सही लग रहा है ना, देखो आज 7 जुलाई है और इतनी सारी बर्फ आज भी यहाँ पर है, पिघली नहीं है अभी तक। और रोड के ठीक सामने चंद्रा नदी, वहाँ पर हम थोड़ी देर पहले हम चंद्रा नदी ब्रिज के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे, और यहाँ पर तो एकदम सामने, वॉट अ व्यू, बहुत खूबसूरत। पिछले कुछ दिनों से हम ट्रांस हिमालय में ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भी ट्रांस हिमालय का रीजन चल रहा है, थोड़ा नीचे उतरेंगे तो ग्रेटर हिमालयस, उसके नीचे उतरेंगे तो लोअर हिमालयस। ट्रांस हिमालय में सीन ऐसा ही रहता है, जगह जगह बर्फ देखने को मिलती है, ऑक्सीजन टाइट रहती है, और पहाड़ तो देख ही रहे हैं आपकी, वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है, वहाँ पे मतलब यहाँ पर तो पहाड़ों में पेड़ देखने को नहीं मिलते। जब से हमने बादल पार किया है, इनफैक्ट बादल नहीं, चंद्रताल से चलने के से अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, पक्की रोड नहीं है, रोड एक तरह से कच्ची है, तो
हर साल रोड बनाते हैं, फिर बर्फ के कारण वो रोड टूट जाती है। ये देख लो आप सामने कैसी रोड है जिसपे अभी हम सफर करके आगे ग्रामफू की ओर जाने वाले हैं। कुछ देर पहले ना यहाँ से एक बस गुजर रही थी, तो मैंने देखा वो बस ना मनाली से आ रही थी और काजा जा रही थी, तो दो तीन लोग वहाँ से उतरे, तो मैंने उनसे पूछा, तो 400 रुपये बस की टिकट है, सुबह 6 बजे चली है वो मनाली से और काजा पहुँचेगी शाम को 4 बजे। पीछे से वो बस कुल्लू से आ रही है, तो यानी कुल्लू से लेके काजा कितना हो गया, 12 घंटे, और मनाली से काजा की टिकट 400 रुपया। लो जी, चलो 5-10 मिनट थोड़ा सा वॉक करते हैं, इंजॉय करेंगे और उसके बाद ऑन वे टू ग्रामफू। बादल से निकलने के बाद मैंने 3 वाटरफॉल देखे हैं, पहला और दूसरा तो अच्छे थे, लेकिन ये वाला तो बहुत लाजवाब है, इसलिए हमने यहाँ पर गाड़ी रोक ली है। 10-15 मिनट इन्जॉय करेंगे, नज़दीक से देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। सो ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है पानी स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। देखो पानी यहाँ से आ रहा है, इधर से नीचे जा रहा है, और यहाँ से आगे जाकर वो उधर चंद्रा नदी को मिल जाएगा, और चंद्रा नदी का फ्लो देखो कितना ज़्यादा तेज है इस जगह। सो ब्यूटीफुल, बादल से अभी हम 16 किलोमीटर आए हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा नाला देखा है और उसके ऊपर एक ब्रिज है। आज से 2 साल पहले जब ब्रिज नहीं हुआ करता था, लोग इस नाले को पार किया करते थे, अब तो ब्रिज बन गया, लेकिन ब्रिज बनने के बावजूद भी देखो ये कितनी कठिनाई से गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। मतलब लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन बहुत कठिन है। ये देखो अभी कुछ देर पहले मैंने सुमो को देखा था, सुमो जैसी गाड़ी को भी इतनी मुश्किल हुई ऊपर चढ़ने में, अब ये देखो गाड़ी वहाँ अटक गई, ऊपर चढ़ी नहीं पाई, जबकि फर्स्ट गियर पूरा पावर लगा के गाड़ी चढ़ाने की उन्होंने कोशिश करी है। आओ आपको एक बार नाला नज़दीक से दिखाता हूँ। हम छतरु पहुंच चुके हैं। मेरे को याद आ गया, जब मैं मनाली गया था ना, तो मनाली से मैं बाइक पे हमता पास गया था, तो वहाँ मैंने जाके जाना था कि छतरु को ट्रैक जाता है, जिसको 5 दिन का पूरा ट्रैक होता है। तो यहाँ पर टूरिस्ट क्या करते हैं, जो मनाली से ट्रैक करके यहाँ आते हैं, तो यहाँ से चंद्रताल लेक चले जाते हैं, वहाँ नाइट स्टे करके अगले दिन वापस मनाली आ जाते हैं। दैट इज़ वन। काफ़ी टूरिस्ट क्या करते हैं, जो एक अलग विजन से आए होते हैं, लॉन्ग टर्म विंडो लेके, तो वो लोग क्षमता पास से ट्रैक करके यहाँ पर आएंगे, और यहाँ से स्पीति टूर करके मोस्ट प्रॉब्ली एग्जिट शिमला। वो अपनी चॉइस है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास समय कितना है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आके देख रहा हूँ, ये जो हमता पास से छतरु का ट्रैक है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जब मैं 3-3.5 साल पहले आया था, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट छतरु, यहाँ आप वातावरण देखो कितना ऑसम है। इस समय लग रहा है ऐसा कि आगे ना मौसम ख़राब है, क्योंकि अचानक पिछले आधे घंटे से बादल आ गए हैं, धुंध सी हो गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अगले 15 मिनट में तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। खाने के यहाँ पे ना 3 ढाबे हैं, एक तो जहाँ पर अभी हम खड़े हैं और 2 और हैं, तो यानी यहाँ पर आप आके एक लाइट सा लंच कर सकते हो, या फिर चाय वगैरह पी के आगे ग्रामफू को निकल जाओ। ग्रामफू यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अब हम यहाँ पर ढाबे में अंदर जाके उनको कुछ दाल चावल मंगवाते हैं अपने लिए। हमने अपने लिए दाल चावल मंगवा लिया है, 100 रुपीज़ पर प्लेट है, तो साथ में आप दाल भी ले सकते हैं या कढ़ी भी ले सकते हैं। यहाँ पे टेबल पे कढ़ी भी है। अच्छी प्रिपरेशन है, बढ़िया बनाया है। आसमान में देखो बिजली कड़क रही है, बिजली गरज रही है। चलिए, टेस्टी है। अब हम
लंच फिनिश करके यहाँ से आगे ऑब्वियसली मनाली मनाली की ओर जाएंगे। रास्ते में ग्रामफू आएगा, ग्रामफू तक का रास्ता ख़राब है और उसके आगे रास्ता ठीक मिलेगा। हम तो वाया अटल टनल ही जाएंगे क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ अटल टनल बनने के बाद, तो वही रूट लेंगे हम। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बारिश हो ना हो लेकिन हमें आगे बारिश ज़रूर मिलेगी, मौसम देख के ऐसा मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। चलो जी फिनिश करते हैं और आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। अभी छतरू से हमने 2 किलोमीटर का सफ़र किया और हम ग्रामफू जा रहे हैं। बारिश का मौसम है, टोटल रास्ता 18 किलोमीटर का है छतरू टू ग्रामफू। छतरू से अभी हमने लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र किया और देखो सामने कितना बड़ा वाटरफॉल है। ओ गॉड, सो ह्यूज, अनइमेजिनेबल। मतलब कहाँ से पानी आ रहा है और कितनी तेज़ रफ्तार से। सामने देखो कितनी सारी भेड़ बकरी भी आ रही है और इतना तेज़ पानी का करंट है कि उनको भी निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। करम भाई गाड़ी में बैठ गए हैं इसको गाड़ी को पार करवाने के लिए। ओह गॉड, ओह गॉड, खतरनाक एकदम। ये देखो दूसरी गाड़ी इसके पीछे, बहुत ये आए, बच गए, खतरनाक। ओ करम भाई तो पार पहुंच गए हैं। अरे वाह, ये तो बिंदास एकदम, टेंशन ही नहीं। लेकिन जीप के लिए भी उतना आसान नहीं है। अच्छा गाड़ी हमारी चली गई, हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। डॉग आ गए पीछे, 3 डॉग्स आ गए थे मेरे को नीचे पानी में उतार दिया। अभी क्या हुआ, हम यहाँ 2 घंटे पहले पहुँच गए थे तो करम भाई ने तो अपनी गाड़ी निकाल ली। उसके बाद बड़े लोगों ने अटेम्प्ट किए लेकिन वो बीच में लास्ट मोमेंट पे आके फंस जाती थी गाड़ी, तो इन्होंने कहा चल यार मैं मदद करता हूँ। और आपने कितनी 3 या 4 गाड़ी निकाली है ना, एक के बाद एक, मतलब वो गाड़ी लगाए और फर्स्ट अटेम्प्ट में गाड़ी उस पार। तो मेन इसमें जो मैं समझाऊँ, टेक्निक दो है, एक तो कहाँ गाड़ी चलानी और दूसरी बात है उस एरिया का पहले सर्वे करके आओ कि वहाँ पर क्या। मैंने देखा कुछ लोग क्या कर रहे थे, गाड़ी लेकर आए, उन्होंने देखा ही नहीं उसकी गहराई कितनी है, सीधे गाड़ी लेकर चला दी। जबकि तरीका तो यह है भाई, गाड़ी से उतरो, देख कर आओ कहाँ कहाँ गैप्स हैं, गाड़ी कैसे लेनी है, एक आध आदमी को चढ़ाते देख लो तो समझ आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है वो गड़बड़ है कि पहले सिचुएशन समझा ही नहीं, सीधी गाड़ी लेके चल दी है। मेरे को एक किसी लोकल ने बताया इसको पागल नाला बोलते हैं। तो सोचो पागल नाला नाम है इसका, कितना खतरनाक है जिसका नाम ही ऐसा है। ओ गॉड, 2 घंटे सारे प्रोसेस में निकल रहे लेकिन फुल एडवेंचर भी हो गया। और चलो हमारे से जो बन सका किसी की मदद करने में वो भी हमने कर दिया। और सारे प्रोसेस में मेरे जूते कपड़े गीले हो गए। अब मैं इससे पहले कि बीमार पड़ जाऊं अपने कपड़े, चलना तो चाहिए पहले कपड़े भी तो बदल लूं। चलना तो चाहिए, कपड़े भी जरूरी है बदलने। और ये चंद्रा नदी है ना, वो ब्यूटीफुल लवली। अगर आप हिल रीजन को बिलोंग नहीं करते, मतलब आप प्लेन्स के रहने वाले हो और अपनी गाड़ी यहाँ लेकर आए हो, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है गाड़ी को 200 मीटर दूर खड़ी करो और किसी लोकल ड्राइवर को आइडेंटिफाई करो जिसका कमर्शियल गाड़ी का नंबर हो। मतलब क्योंकि उनका कमर्शियल नंबर से मेरा मतलब है क्योंकि वो रोज़ इस रूट पे चलते हैं, और भाई साहब को रिक्वेस्ट कर लो, लो जी हमारी गाड़ी आप उस पार लगवा दो, कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्या बोलते हो? चलो एक तो ये मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। सेकंड, अगर आप चंद्रताल से चल रहे हो या मनाली से चल रहे हो, आप पूरी कोशिश करो ये पॉइंट आपको सुबह 11 बजे से पहले टच हर हाल में करना है। हमारी अलग बात है, हम तो वीडियो के चक्कर में बहुत लेट हो गए, हमारे को यहाँ पहुँचते कुछ 4:30 बज गए थे। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि क्या होता है जैसे धूप निकलती है ना 10 बजे 11 बजे बढ़ती है तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और ये पानी का बहाव बढ़ता जाता है। तो मनाली से चलो और आपने चंद्रताल जाना है तो सुबह 3:30 और 4 के बीच में निकल पड़ो,
जिससे कि आप पानी के भाव बढ़ने से पहले क्रॉस चंद्रताल से चलो तो सुबह 5:30 आपका निकलने का टाइम होना चाहिए। वो अलग बात है कि हम 7 बजे निकले और उसके बावजूद भी चाचा चाची का ढाबा सीनिक व्यू ना जाने क्या क्या करते हमने बहुत लेट कर दिया। एनीवेज ये मेरी 2 पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, क्या बोलते हो? ठीक है, सही है ना? चलो 5 मिनट में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और अभी हमारा अगला कौन सा डेस्टिनेशन है? सिसु। सिसु से पहले ग्रामफू ना? ठीक है, मैं चेंज करता हूँ और 10 मिनट में यहाँ से चलेंगे। पागल नाला पार करने के बाद अभी हम 2 किलोमीटर ही आगे आए हैं। तो यहाँ पर देखो एक और नाला है, उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा खासा है। ये देखो साइड में बर्फ, ओ गॉड। लो जी ये भी पार हो गया। अब ग्रामफू यहाँ से ज्यादा नहीं 6 से 7 किलोमीटर दूर है। देखो कितने सारे पत्थर, ऊपर से पानी आ रहा है। देख के लग रहा है थोड़ा है तो डिफिकल्ट, लेकिन गाड़ी निकल जाएगी। सामने देखो कुछ मोटरसाइकिल वाले भी खड़े हैं, उन्होंने भी बाइक तो अपनी निकाल लिया वहाँ से। इस समय 6:45 बज चुके हैं। टूरिस्ट की गाड़ियाँ तो अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं क्योंकि जिनको लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता है वो सुबह ही निकल जाते हैं। आज ऐसा लग रहा है पहाड़ों के ऊपर काफ़ी सारी घास, हम कम से कम 8 या 10 दिन बाद देख रहे हैं। बीच बीच में हम देखते थे लेकिन वो एक पहाड़ पे होती थी तो दूसरे पे नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम मनाली की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, पहाड़ों के ऊपर घास दिख रही है लेकिन पेड़ मुझे कहीं नहीं दिख रहे। लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जो छतरू से आगे का एरिया है ये बहुत डिफरेंट डायनामिक्स है। जैसे मैं पहले भी एक बार मेंशन किया था, शिमला के बाद किन्नौर एंटर किया तो हमें लगा पूरा सीनिक व्यूज़ बदल गए। किन्नौर के बाद स्पीति और स्पीति के बाद जो छतरू से आगे का एरिया एकदम डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डिफरेंट। मुझे लगता है जैसे जैसे हम मनाली के करीब आएंगे ना हमें पेड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, सीनिक व्यूज बड़े कमाल के। देखो कितना अच्छा लग रहा है। हम ग्रामफू पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, आए कहाँ से। आप ये रोड देखिए, ठीक है, ये रोड देखो आप, रोड की लेवल क्या है, रोड कैसी है। और अब आप ये वाली रोड देखो, सामने वाली, ये नेशनल हाईवे है, ठीक है। सामने बोर्ड पर भी एरो से उन्होंने बताया हुआ है कि लेफ्ट चले जाओ तो रोहतांग पास पहुंच जाओगे 45 मिनट में, और रोहतांग पास से 1.5 घंटे में आप मनाली पहुंच जाओगे, यानी कुल मिला के 2.25 घंटे फ्रॉम ग्रामफू। राइट यहां से अटल टनल चले जाओ तो अटल टनल पहुंचने में आपको 1/2 घंटा लगेगा और वहां से आगे 45 मिनट में मनाली। तो यानी रास्ता एक तरह से आधा बच जाता है अगर आप अटल टनल से जाते हो। अब ऑब्वियसली अगर आपने रोहतांग पास आज से पहले कभी विजिट नहीं किया तो आप प्रेफर करोगे कि हम इधर से ही रोहतांग पास होते हुए मनाली जाएं। छतरू देखने में दिख रहा है हमारे को 17.3 किलोमीटर। छतरू से जब हम यहाँ आए हमें सारे नाले इसी रूट पे दिखाई दिए और उनको पार करना आसान काम नहीं था, मतलब एक अच्छी स्किल चाहिए गाड़ी से पार करने के लिए। दूसरा आप देखो बातल 49 किलोमीटर। बातल और छतरू के बीच में नाला तो कोई नहीं था, लेकिन एक नाला था ठीक सा, लेकिन रोड खराब थी। तो आप मोटा मोटा ऐसा समझ लो कि मेन जो रोड खराब है वो है बातल से लेके इस पॉइंट तक ग्रामफू तक, जिसमें से जो ज्यादा खराब पोर्शन है वो है छतरू से लेके इस ग्रामफू तक। वैसे कभी भी मैं बार बार इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ, कभी भी आप अगर स्पीति टूर प्लान करेंगे तो बेहतर रहेगा आप शिमला से प्लान करिए। बड़े सारे एडवांटेजेस हैं, एक तो अच्छी रोड आपको एक्सपीरियंस होगी, लास्ट में आके ये नाले आते हैं वो भी अपने आप में एडवेंचरस एक्सपीरियंस है। अब हमें यहां से क्लियर रोड मिलेगी। आओ जी, अटल टनल से 6 किलोमीटर का सफर करके हम सिसु पहुंच चुके हैं। इस समय 7:20 का टाइम है तो 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। मैं देखना चाहता था सिसु कैसा दिखता है, मतलब ये जगह कैसी दिखती है। धीरे धीरे हमने गाड़ी चलाई और
दो तीन किलोमीटर तक गए, गांव देखा, कुछ एक होटल्स बाहर से देखे, कुछ एक मेरे को वाटरफॉल्स भी दिखाई दिए। ओवरऑल यहाँ पर मेरे को देख के ऐसा लग रहा है पहाड़ों में बहुत सारी ग्रीनरी है। जब आप मनाली टूर प्लान करेंगे तो एक दिन सिसु भी आके फुल डे बिता सकते हैं या यहाँ पर भी नाइट स्टे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा जब मैं लाहौल टूर प्लान करूँगा, उसकी जर्नी मेरे को अलग से प्लान करनी पड़ेगी, 7 से 8 दिन की या मे बी 10 दिन की, जब अच्छे से लाहौल घूमेंगे जैसे अभी हमने अच्छे से स्पीति घूमा है। मीनवाइल जहाँ पर मैं अभी मैं खड़ा हूँ, दूर बड़ा खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखो पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज है, वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यहाँ खड़े होकर बड़ा अच्छा लग रहा है। ओवरऑल अच्छा लगा मेरे को यहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा बिताना। अब हम यहाँ से मनाली जा रहे हैं, रूट हम ले रहे हैं वाया अटल टनल। फाइनली 8:45 पे हम मनाली पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे हम चंद्रताल लेक से चले थे, 14 घंटे लगे हमें मनाली पहुंचने में, जबकि सफ़र 6 घंटे का है। इतनी हमने ब्रेक ली, जगह जगह सीनिक व्यूज़ देखे, समय कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। लॉन्ग डे लेकिन खूब इन्जॉय किया। आप बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा और पूरी स्पीति टूर की सीरीज़ कैसी लगी, क्योंकि ये आज का एपिसोड इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था। नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में मैंने 2-3 choices सोच रखी हैं लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया, वो आने वाले कुछ दिनों में मैं डिसाइड कर लूँगा और आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके बताऊँगा। आज हम मनाली में रुक रहे हैं, कल मैं अपने घर चला जाऊँगा। और इस टूर से जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने शायद वीडियो में मेंशन करना मिस कर दिया, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो अभी मैं आपको यहीं पर बाय बाय कर रहा हूँ, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नया डेस्टिनेशन नया सफ़र। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम।